दोस्तों आज हम बनाएंगे आंवले की चटनी जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है और साथ ही बहुत हेल्दी भी होती है। बहुत क्विक है रेसिपी, तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा हो और हम आंवले की चटनी ना बनाए तब तो खाना अधूरा है। दोस्तों आंवले को काटते वक्त हमारी उंगलियां काली पड़ जाती हैं, तो जब भी आप आंवले को काटें हाथों में ग्लव्स पहन के काटें, इससे आपकी उंगलियां काली नहीं पड़ेंगी। चटनी बनाने के लिए मैं आंवले को जो कि रफली चॉप्ड है उसको जार में डाल लूंगी। साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च को, लहसुन की कलियों को भी डाल देंगे और अब हम डालेंगे इसमें धनिया की पत्तियों को। दोस्तों सर्दियों के सीजन में जब ये सारी चीजें मार्केट में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन फ्रेश मिलती हैं तो हमें खाने पीने का मन कर जाता है और हम इस तरीके की चटनी बनाएंगे तो बहुत मजा आने वाली है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी। ढक्कन को बंद करेंगे। दोस्तों जार को खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ कितना सुंदर सा इसका कलर आया है। जब कोई चीज दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जागरी। दोस्तों जागरी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ जागरी को पतले पतले स्केल्स में काट लिया है। फिर से हम ढक्कन को बंद करेंगे और इसको एक बार फिर से हम ब्लेंड करेंगे। अब मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है और एक बार हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों बिल्कुल फाइन हो चुका है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे काला नमक जो कि स्वादानुसार रहेगा। कुछ सादा नमक, दोस्तों दोनों ही नमक हमें ऐड करना है, इससे चटनी का फ्लेवर एनहांस हो जाता है। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करें, इसमें कोई घी वगैरह इस टाइप की कोई चीज नहीं। कड़वा तेल, मस्टर्ड का ऑयल यही ऐड करना है। और अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों तेल जो है वो हमें ग्राइंड करने के पहले नहीं डालना है, याद रखें, इसे हमें लास्ट में ही डालना है। चटनी हमारी हर एक रेसिपी के साथ मजा देती है। पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज है, हमें जरूर इसका यूज करना चाहिए। सीजनल चीज है तो बहुत ज्यादा फायदा करती है। आंवला वैसे भी अपने विटामिन सी सोर्स के लिए जाना जाता है। Thank you very much. Thanks for watching. Bye-bye. Till my next video comes. Hope you enjoyed this recipe. और आंवला जैसी सीजनल चीज जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है उसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आज हम बनाएंगे आंवले की चटनी। आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 आंवला, लहसुन, कुछ हरी मिर्च, साथ ही धनिया का प्रयोग करेंगे और हम उसमें डाले यूज करेंगे जागरी यानी कि गुड़। दोस्तों गुड़ की तासीर गर्म होती है तो हमें इसका प्रयोग सर्दियों के समय में जरूर करना चाहिए, वो चाहे चटनी हो या फिर गुड़ के लड्डू हो, किसी भी रूप में गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सभी चीजों को मैंने चॉप कर लिया है क्योंकि आंवले के अंदर बीज होते हैं, तो आंवले को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। धनिया के पत्ते को भी चॉप कर लिया है, हरे मिर्च की डंडियों को हटा दिया है, साथ में लहसुन की कलियों को छील लिया है।